आपने भी YouTube पर कई सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें गैस के बर्नल को बिल्कुल नया की तरह चमका दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास है एक पीतल का, दूसरा बर्नल है मेटल का। चलिए हम इसको देखते हैं कि क्या ये वाकई साफ होता है या नहीं। तो हमने यहाँ पर एक छोटे से बर्तन में डालते हैं गर्म पानी, जैसे कि दिखाया जाता है। तो ये देखिए, हम यहाँ पर गर्म पानी डाल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं इसमें से गरम धुआं भी निकल रहा है। अब हम इसमें डालते हैं खाने का सोडा, ये है हमारे पास खाने का सोडा। तो हम इस गरम पानी में खाने का सोडा डाल रहे हैं, ये देखिए। अब इसके बाद हम इसमें डालते हैं एक शैम्पू का पाउच, थोड़ा सा शैम्पू डालते हैं, ये हमने इसमें शैम्पू डाल दिया है। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा मिला लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मेरे पास है गैस के दो बर्नल हैं, एक ये मेटल वाले हैं, मैं इसको डाल देता हूँ इस तरीके से, और एक ये है पीतल वाले, मैं दोनों को डाल देते हैं। अब इसको इसी तरीके से हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, जिस तरीके से हमें दिखाया जाता है। तो फिर देखिए, यहाँ पर हमने इसको डुबाया हुआ लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब हम इसे क्लीन करके देखते हैं। तो ये है हमारा गैस का बर्नल, इसे साफ करने के लेते हैं टूथपेस्ट का एक ब्रश, जो घर में कोई भी ख़राब ब्रश होते हैं उसे ले सकते हैं। अब इस बर्नल के ऊपर इडली इस तरीके से चलाना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो नया बर्नल था, जो कि पीतल का है, वो इस तरीके से साफ हुआ है। हम इसे धो के दिखा देते हैं, ये देखिए। और जो हमने एक बर्नल और इसमें डाला है वो है मेटल का, लोहे वाला, वो कितना साफ होता है चलिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कोई सोने चांदी की तरह चमकता तो नहीं है, पर इसे नॉर्मली हम जैसे साफ करते हैं सेम उसी तरीके से ये बर्नल थोड़ा सा साफ ज़रूर हो जाता है। जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पर आपके सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस के बर्नल किस तरीके से क्लीन होते हैं। तो आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। फिर से मिलते हैं हम कोई नई वीडियो में नई जानकारी लेकर।